नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे। हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और हम ऐसे आगे भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला जान पड़ता है। इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पदभार ग्रहण करने के बाद कुल्हान DIG असीम विक्रांत मेंज पहली बार पहुंचे शहर, पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हुआ समाप्त, सभी मंदिर व धार्मिक स्थलों की खुलने की मिली अनुमति। कक्षा 6 से ऊपर सभी क्लासों में होगी नियमित पढ़ाई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने के कारण खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ा, निचले इलाके के रहने वालों को प्रशासन ने किया अलर्ट। रामगढ़ बोकारो NH 23 मार्ग पर बस व कार की हुई सीधी टक्कर, 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। समिति मध्य विद्यालय में पास आउट बच्चों के लिए विदाई सा सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आदिपुर की कंपनी बेबको इंडिया में इस साल मिलेगा 20% बोनस, मजदूर नेता राकेश्वर पांडे के नेतृत्व में मजदूरों को मिला बेहतर लाभ। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजार सज धज कर हुआ तैयार, पूजा में जुटे लोग। इस साल विश्वकर्मा पूजा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है तैयार। पत्रकार बैजनाथ महतो से मिले मंत्री बन्ना गुप्ता, कहा जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर करवाया जाएगा बेहतर इलाज। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा आसन पर आक्षेप लगाना नहीं है सही, अध्यक्ष की भूमिका कस्टोडियन की होती है। नमाज कक्ष के आवंटन पर हुआ था विवाद। धनबाद हाईवे पर भीषण हादसा, कार में सवार 5 जिंदा जले। बस से हुई सीधी टक्कर में जलकर राख हो गए 4-व्हीलर, 1 घंटे बाद आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी। पूजा करने जा रहे 2 दोस्तों की हुई मौत, 5 दोस्त बिहार के बरभीगा से रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर आ रहे थे, कुजू में डिवाइडर से टकराया कार, 2 की हुई मौत, 3 हुए गंभीर घायल। 72 घंटे के लगातार बारिश से तर बतर हुआ झारखंड, 8 डिग्री गिरा रांची का पारा। धान के फसल लहलहाए तो सब्जी उत्पादकों के चेहरे पर छाई मायूसी। गढ़वा में PHED का कैशियर 8,000 घूस लेते गिरफ्तार, पानी टंकी योजना में भुगतान के लिए मांग रहा था पैसा। झारखंड में श्रद्धालुओं के लिए अनलॉक हुए भगवान, इस बार भी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता पर लगी। 6ठी से 8वीं तक ऑफलाइन क्लास की भी दी गई अनुमति। झारखंड में अब बोली पर विवाद हुआ शुरू, CM ने कहा मगही और भोजपुरी से झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। हजारीबाग सक्षम हॉस्पिटल का है मामला, 2 अल्ट्रासाउंड में दिखे जुड़वा बच्चे, तो वहीं जन्मा 1 दंपति बोले या तो रिपोर्ट गलत या तो अस्पताल से बच्चा हुआ चोरी। हेमंत सरकार के निर्णय के बाद मंदिर खोलने की तैयारी हुई शुरू, ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिलेगी एंट्री। पुनिहारी पंचायत के तूतीपुर गाँव में स्थित तालाब से बुधवार को सकरीगरी परताबाड़ी निवासी 22 वर्षीय पुनवा उराव का शव बरामद, क्षेत्र में सनसनी। बन रही नकली शराब से बिहार के लोग हो रहे हैं बीमार, जा रही है आंखों की रोशनी, लोग हुए परेशान। धनबाद के भूली में बारिश में धंसा पुलिया का मरम्मत हुआ शुरू, इस रास्ते से अगले आदेश तक गाड़ी नहीं चलने का दिया गया निर्देश। लोहरदगा पुलिस लाइन में जिला बल के जवान की हुई मौत, रांची का था रहने वाला जवान। रांची के लालपुर में होटल आर्या में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। खंड में क्षेत्रीय कार्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा शुरू, स्वास्थ्य मंत्री ने नेत्रदाताओं के परिवारों को किया सम्मानित। सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह अभियान हुआ शुरू, आजादी के 75वें सालगिरह अमृत महोत्सव के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह तक विशेष अभियान चलाने की हुई शुरुआत। तो आज के लिए बस इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24।